देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। नए आपराधिक कानून के अनुसार अब किसी इलाके में घटित घटना की प्राथमिक किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इसे जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। जीरो एफआईआर को सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित थाने में प्राथमिकी की संख्या दर्ज की जाएगी। दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच और कार्यवाही की प्रगति को एफआईआर के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। नए कानूनों में प्रावधान है कि पुलिस थाने में पहुंचे पीड़ित की शिकायत आधे घंटे के भीतर सुनी जाएगी। अगर ज्यादा देर तक उसे इंतजार करवाया गया और बात ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची तो थाने के संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी पीड़ित को ज्यादा देर तक थाने में बैठाना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। सभी थानों में तैनात अलग अलग केस के आईओ को लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस जल्द ही डिजिटल पुलिस बनेगी। सभी आईओ को उनका अलग ईमेल दिया जाएगा। इसके बाद सभी सीसीटीएनएस पर एक्टिव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।